हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नई व्लॉग में। और आज मैं जा रहा हूँ कोरोना टेस्ट कराने। एक्चुअली हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम आ रखी है जो कि कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं पूरे गांव के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर जब ऐसे मौके हमारे पास होते हैं तो हमें ज़रूर अप्रोच करना चाहिए, और मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो सीधे मिलते हैं वहाँ पर, बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। ये है यहाँ पे, इन्होंने करा लिया है कोरोना टेस्ट। आप बताएं कि आपको कैसा लगा जब आप कोरोना टेस्ट करवा रहे थे? नहीं, हमको अच्छा लगा। चलो वो जांच अब आएगी ना, अभी तो रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, कल आएगी? कल आएगी। अच्छा, आपने करा दी? हाँ, तो अच्छा आप चलो चलो मेरे साथ, आपने करवा दी? अच्छा, कैसा लगा आपको जब? बढ़िया लगा। कुछ दिक्कत आई? ना, कोई दिक्कत। अच्छा अच्छा, होना भी चाहिए। होना भी चाहिए, सही बात है। तो फ्रेंड्स, ये जो रास्ता है बताता हूँ आपको, यहाँ से बस महज 150 मीटर, नहीं नहीं 100 मीटर की दूरी पे है। तो चल रहे हूँ। ये है शिवम, इन्होंने अभी कोरोना टेस्ट कराया थोड़ी देर पहले। तो आप हमें बताएं कि कैसा लगा आपको? दर्दनाक पड़ा हुई और बहुत दर्द हुआ। बहुत दर्द हुआ और आंसू भी निकले ना? अच्छा, तो कुछ ऐसा है। तो ये है बात। तो ये है हमारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय गडोली का प्रवेश द्वार। और ये कुछ हमने 5 तक यहाँ पढ़ा। चाचा जी, आपने करा दिया? अच्छा, कैसा लगा आपको? बढ़िया। अच्छा, चाचा जी को बढ़िया लगा। और मेरे साथ चाचा जी भी हैं। अच्छा, ओह, हिलना नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, तो ये हमारे कुछ स्कूल है, यहाँ पे हम घिसकुटी खेला करते थे पहले, और यहाँ पर भोजन बनता था। ये भोजन टेस्ट रूम, और यहाँ पे होती थी हमारी प्रेयर। ये प्रेयर ग्राउंड है, ये स्कूल है कुछ ऐसा। और यहाँ पे हो रहा है टेस्ट अंदर। और ये गांव के कुछ समझदार लोग, तो मैं भी लग जाता हूँ लाइन पे। ये कुछ इस प्रकार का गेट है, नया बन रखा है। आई थिंक फीलिंग ऑसम आ रही है यहाँ से जाने की। और ये कुछ बन रखे थे उस टाइम पे, अभी भी बिल्कुल बहुत शानदार है। ये सूचना पट है यहाँ पे, तो कुछ ऐसी लाइनें लगते हैं इस पे। वो आगे ये चाचा जी हैं, ये भी चाचा जी हैं, और वहाँ पे बसु भाई जी हैं, उनका नाम वासुदेव है। चाचा जी कैसे कर रहे हैं? ओके ओके ओके, सबके लिए थम्स अप। और ये चाचा जी हैं, मेरे साथ आइए। और अब हम जा रहे हैं कोरोना टेस्ट करवाने। क्यों चाचा जी? या फ्रेंड्स, ये हमारे गांव के मैडम हैं आप दोनों, और आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, आंगनवाड़ी की मैडम है, इन्होंने पूरे गांव में जागरूकता फैलाई, लोगों को आने का इन्होंने न्योता दिया, मतलब बोला कि चलो चलो। और काफ़ी लोग आए भी हैं, काफ़ी लोगों ने करवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिग थम्स अप फॉर यू। और भी गांव के कुछ आ रहे हैं, तो बहुत जागरूकता है यहाँ पे। बस हो गया। अच्छा, आपको कैसा लगा? अच्छा अच्छा, नॉर्मल है, ज्यादा कष्टदायक नहीं है। अच्छा, ओके, हर कोई करा सकता है ना? खाली लोग डरते हैं कि मतलब ऐसा ऐसा होगा, दर्द होगा, पर डरना नहीं चाहिए। बहुत आसान सा चीज़ है और कराना चाहिए हर किसी को। और ये हमारे रोशन भाई हैं, ये भी आ रहे हैं कोरोना टेस्ट के लिए। देखते हैं नया एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसे होता है। ओके, अभी हमारा हुआ नहीं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, फिर आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे सबको। ओके, तो फ्रेंड्स बने रहिए, और जब मेरा नंबर आता है तो मैं बताऊंगा आपको कि मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस था, वो भी बिल्कुल डिटेल में। लाएं लाएं।
राहुल के अपने मुझे बोलो मुझे ले अबे टेस्ट छोड़ो आता से ले बता तो आपको कुछ ज्यादा तो हुआ नहीं पर जैसे अगर के बारे में क्या कहना चाहूंगा यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं है लेकिन आपकी आंखों से भी काफी आंसू निकल रहे हैं काफी नहीं ये जैसे आप कोई भी लकड़ी डालोगे ना छोटी मोटी भी नाक में तो आंसू जरूर निकलेंगे आपके और छींक जैसी भी आपको आ सकती है इस दौरान लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हो रहा इससे बस बढ़िया है मतलब ये है कि आपको जरूर कराना चाहिए डरने की कोई बात नहीं है थैंक यू आप इस अनुभव के बारे में क्या कहना चाहेंगे कैसा लगा आपको जी कहना चाहूंगा कि ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं है लेकिन आपके आंखों से भी काफी आंसू निकल रहे हैं जैसे आप कोई भी लकड़ी डालोगे ना छोटी मोटी नाक में तो आंसू जरूर निकलेंगे आपके और छींक जैसी भी आपको आ सकती है इस दौरान लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हो रहा इससे बढ़िया है मतलब ये है कि आपको जरूर कराना चाहिए डरने की कोई बात नहीं है मेरी मुलाकात हुई हमारे वार्ड सभासद से ये देख सकते हैं आप और इन्हीं की वजह से ये चीज़ यहाँ पे संपन्न हो पा रही है तो आपको बहुत बड़ा थम्स अप है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो आई होप इन फ्यूचर आप बहुत अच्छे काम करते रहो हम सब के लिए तो ये थी मेरी एक मुलाकात जब वो नाक में डालें तो बिल्कुल टाइट मत कीजिएगा बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिएगा और कुछ नहीं होगा बस आपको बस जस्ट एक दो सेकंड होल्ड करना है आपने और बस हो गया काम तमाम तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये देख के थोड़ा पॉजिटिविटी मिली होगी कोरोना टेस्ट के बारे में और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूँगा आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद